तुम दोनों ने चुपसाई का उपवास रखा है क्या? कुछ नहीं बेटी, ऐसे ही। नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। पगली, मैं तुझसे क्या छुपाऊंगी? अच्छा आनंदी, एक पहेली बूझो। एक मंदिर है जिसमें घुप अंधेरा है, जहां भगवान रहते हैं, लेकिन ये भगवान ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना चल सकते हैं। बताओ वो मंदिर कहाँ है और वो भगवान कौन है? माँ का पेट मंदिर है और पेट का बच्चा भगवान। तुम्हारी भी यही प्रॉब्लम है ना? तू मुझे क्यों रुलाना चाहती है स्वाति? जा अपने कमरे में जा, तेरे डैडी के आने का वक्त हो रहा है। बाप रे, डैडी तमाम बातें सुन के मुझे मार ही डालेंगे। मैं तो उनके मारे बिना ही मर जाऊंगी मम्मी। अरे तुम तो बड़ी डरपोक निकली। अच्छा अब ये बताओ कि उस कपिल देव का पता क्या है? तो तुम चिरंजी लाल गोवर्धन प्रसाद रोकड़िया हो? जी नहीं। झूठ बोलता है वो। जी नहीं। क्या जी नहीं? जी मेरा नाम चिरंजी। चिरंजी लाल? हाँ, गोवर्धन प्रसाद रोकड़िया नहीं है जी, मेरा नाम कामदेव प्रसाद चिरंजी लाल रोकड़िया है। जानते हो मैं कौन हूँ? जानता ना होता तो हकलाता क्यों? आप आनंदी की बड़ी बहन हैं। क्या तुम आनंदी से प्रेम करते हो? जी वो पहेलियां बुझवा बुझवा के प्रेम करवा लिया जी। और उससे पिछली बार कब मिले थे? जी वो हफ्ता। हकलाहट बंद। हफ्ता भर हो गया। और तुम्हारे भतीजे प्यार को ये ख्याल तक नहीं आया कि उसके घर जाकर मालूम तो करें कि कहीं वो बीमार बीमार तो नहीं पड़ गई? बीमार तो वो पड़ती ही नहीं। शट अप, क्यों नहीं गए? बाप रे बाप, मुझे डॉक्टरों से बहुत डर लगता है, बात बात में सुई घोंप देते। प्रेमी होकर एक सुई से डरते हो? चलो अपने पिताजी का पता बताओ। वो क्यों दीदी? उन्हें ये शुभ समाचार देना है कि वो दादा बनने वाले हैं। हाँ? और उनके सुपुत्र सर्वश्री कामदेव प्रसाद चिरंजी लाल रोकड़िया बाप बनने वाले हैं। बाप रे बाप। जी मैं कामदेव का पिता हूं। जी हाँ, मुझे आपका खत मिला था। बैठिए बैठिए। शारदा जी आई। तू वहां नहीं जा सकती है। क्यों? वो लोग तुझे देख लेंगे तो हजार सवाल करेंगे, तू कौन है, किसकी बेटी है, आनंदी को ब्याहने की इतनी जल्दी क्यों जब बड़ी बेटी घर में बैठी है, और फिर जितने मुंह उतनी बातें। तू तो समझदार है ना बेटी? ये मेरी मिसेज शारदा जी हैं, ये कामदेव के पिताजी चिरंजी लाल हैं, और ये इनकी मिसेज। बैठिए। भाभी जी आनंदी बिटिया की सगी माँ तो नहीं है ना? भाभी जी से अभी कोई संतान नहीं हुई ना? जी नहीं, आनंदी हमारी अकेली बेटी है, और सारी संपत्ति इसी की है। हमारी तरफ से तो बात पक्की समझिए डॉक्टर साहब, घर पहुंचते ही शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ और आपको लिखता हूँ। जैसे आपकी इच्छा। अच्छा अब आज्ञा दीजिए जी। नमस्ते। नमस्ते। शारदा, शारदा तुमने ये क्यों कहा कि आनंदी हमारी इकलौती संतान है? उन्होंने ये पूछा था कि हम दोनों की तो कोई संतान नहीं। मैंने तो ठीक ही जवाब दिया। स्वाति भी नहीं आई। मैंने ही मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसका पूरा परिचय देकर मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती थी।
ये तुमने अच्छा नहीं किया। स्वाति तुम्हारा प्रेम है, पाप नहीं शारदा। कब तक उसे छिपाती रहोगी? और फिर वो शादी में तो सामने आएगी ही, तभी लोग यही बात पूछ सकते हैं। अंकल, आनंदी की शादी तक मैं कहीं और रहना चाहती हूँ। पागल हो गई हो? नहीं अंकल, यही सही रहेगा। अगर बेटी, मैं मम्मी की जिंदगी में समस्याएं पैदा नहीं करना चाहती। नहीं बेटी, नहीं। इस घर का जीवन हम सबका है, दुख सुख समस्याएं हम चारों की हैं। इस घर पर जितना अधिकार आनंदी का है, उतना ही तुम्हारा भी है बेटी। I'm sorry अंकल, मैं फैसला कर चुकी हूं। तुम मुझसे रूठ कर जा रही हो। रूठूंगी क्यों? तो फिर जा क्यों रही हो? तुमको जमाने के बेदर्द सवालों से बचाना चाहती हूं मां, इसीलिए जा रही हूं। अपनी मां की मजबूरियां समझ बेटी। मैं तो जिए चली जा रही थी। तूने ही जिद की कि मां सुहागन बनो, और मैं बन गई। 18 साल में मेरे जीवन में और कोई आया ही नहीं। फिर तू आनंदी के डैडी को ले आई, उनके साथ आनंदी आई, इस घर की परंपराएं आई, इस परिवार की मर्यादा आई। मैं नहीं चाहती थी कि आनंदी का जीवन एक नरक बन जाए, बिन ब्याही मां होने की जिल्लत की करवाहट मैं अच्छी तरह जानती हूं बेटी। इसलिए मैं कामदेव के पिता को ये रिश्ता तोड़ने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी बेटी, और इसलिए मैं तेरे बारे में इतना बड़ा झूठ बोल गई। मैं जानती हूं, ये सब जानते हुए भी तू चली जाएगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूं, तुम्हारे पास आती जाती रहूंगी, तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगी। आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूं, लेकिन जिस तरह एक मां अपनी बेटी का ब्याह करके विदा कर देती है, तो उसके पारिवारिक जीवन में दखल नहीं देती, उसी तरह एक बेटी को अपने मां के पारिवारिक जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। मैं जा रही हूं मां, रोते हुए नहीं, हंसते हुए विदा करो मां। लेकिन बिल्कुल अकेले तू कैसे रहेगी? जिंदगी एक पाठशाला है मां, यहां हर रोज एक नया सबक मिलता है, और कभी कभी तो इम्तिहानों से भी गुजरना पड़ता है। मैंने तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ सीखा है मां। मैं अकेली रह लूंगी, जी लूंगी। स्वाति, मैंने वो घर छोड़ दिया है राम। पता है, मगर क्यों? तुमने डाल से छूटकर गिर पड़ने वाले फूल से कभी पूछा, ये फूल और पेड़ का साथ ही कितना? जरा तेज हवा चली, डाली हिली और किस्सा खत्म। मगर स्वाति, प्लीज राम, थोड़ी देर मुझसे बात न करो।
ये भी ना पूछो कि क्यों रो रही हो। मेरी माँ बहुत अच्छी औरत है राम। पता है बेटा अच्छा या बुरा होता है, बेटी अच्छी या बुरी होती है, मगर माँ सिर्फ अच्छी या बहुत अच्छी होती है स्वाति। मगर ये ना भूलो, उन्हें एक घर और घरेलू जिंदगी का तोहफा तुम्हीं ने तो दिया है। ये जिंदगी अपने साथ अपनी मजबूरियां और अपनी जिम्मेदारियां ले आती है स्वाति, समझने की कोशिश करो। मैं समझती हूँ राम, समझती हूँ, सोचती हूँ जिस तरह माएं अपनी बेटियों को विदा करती हैं, उसी तरह मैंने अपनी माँ को विदा किया और उन्हें विदा करके आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ।